भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत विदेश से आने वाले पर्यटकों को एयरपोर्ट पर ही एक वेलकम किट दी जाएगी। इस किट में सैलानियों के लिए डूज और डोंट्स की जानकारी होगी। इसमें पर्यटकों के लिए सुरक्षा, खरीदारी, घूमने फिरने और पहनावे को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस गाइडलाइन को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि आखिर गाइडलाइंस में किस चीज को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल वेलकम किट में विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के मुताबिक पहनावे को लेकर भी जानकारी दी गई है। कहा गया है कि भारत के कुछ हिस्से, खासतौर से छोटे कस्बे और गांव में अब भी पारंपरिक पहनावे हैं। कई धार्मिक जगहों पर सिर ढकने और खाली पैर चलने जैसे कोड हैं। ऐसी जगहों पर जाने से पहले पर्यटन विभाग या फिर संबंधित अधिकारियों से स्थानीय परंपराओं या फिर रीति रिवाजों की जानकारी जरूर ले लें। इन्हीं गाइडलाइंस को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने आगरा में मीडिया के सामने रखी, जिसके बाद बेवजह तूल देकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले आपको हम महेश शर्मा की बात सुनवाते हैं जो उन्होंने गाइडलाइंस को लेकर कही। अगर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप 1363 से लीजिए। तीसरा मैं बता दूं कि पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है, एक कार्ड है उसमें जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें। हमने उन्हें बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात वात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। दूसरा हमने उन्हें बताया कि आप जिस गाड़ी में बैठें उस गाड़ी की नंबर प्लेट का फोटो ले लें और अपने एक रिमोट अपने किसी दोस्त को, किसी को उसको फॉरवर्ड कर दें ताकि ड्राइवर को ये पता है कि मेरे पास इस गाड़ी का नंबर है। दूसरा, अगर मैं उस कैमरे को तोड़ने की भी सोच लूँ किसी वजह से तो ये नंबर कहीं दूसरी जगह चला गया है। ये कार्ड उनको 1363 हेल्पलाइन। जो विदेश से आने वाले पर्यटकों को कपड़ों के ऊपर भी कोई मतलब ध्यान देने वाली बात है क्या है कि आप ये स्कर्ट पहन लिए? कपड़ों पे हम उनके कपड़ों पर नहीं कह रहे हैं, हमने उनके ऐसा कोई शब्द उनके लिए नहीं कहा क्या पहने क्या ना पहने। लेकिन जैसे हमने उनका रात के टाइम अगर आप अकेले में निकलते हैं तो आप ध्यान कर निकले और ये जैसे उसकी टैक्सी में बैठे हैं तो टैक्सी का फोटो ले लें, फोटो को ट्रांसफर कर दें। हम किसी के कपड़े और किसी की व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सोच को बदलने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। उसमें हमने ये लिखा है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है जहाँ का मंदिरों का पहनावा, इस तरह के पहनावे अलग अलग है, कृपया उनके अनुसार अपना ड्रेस कोड रखें। पर्यटन मंत्रालय की गाइडलाइंस पर कांग्रेस नेता बरखा शुक्ला सिंह ने कहा है कि ये पर्यटकों की आजादी में दखल देने जैसा है। देखिए, बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक मजाक की बात मुझे लगती है, भद्दा पुहड़ मजाक है कि इस तरह का बयान आना टूरिज्म मिनिस्टर का कि आप स्कर्ट ना पहने, आप महिलाओं के कपड़ों पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते और ख़ास करके जो फॉरेनर्स हैं उनका तो ड्रेस कोड ड्रेस ही यही है। आप कैसे उनको क्या साड़ी पहनाएंगे, क्या उनको साड़ी पहना के गांव में भेजेंगे? ये तो ये सरासर बहुत ही अपने आप में एक हंसी वाली बात है, मजाक की बात है। अब आपको बताते हैं कि दूसरे देशों में क्या है ड्रेस कोड। ईरान में सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को अपना सिर ढकना चाहिए, महिलाओं को पैंट या फिर लंबी स्कर्ट पहनना चाहिए। धार्मिक जगहों के लिए अतिरिक्त गाइडलाइंस हैं। महिलाओं को चेहरा छोड़कर पूरा बदन ढकने के लिए कहा जा सकता है। सऊदी अरब में कानून के तहत विदेशी सैलानियों के लिए ड्रेस कोड है। सभी महिला सैलानियों से सार्वजनिक जगहों पर अबाया पहनना जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात में मस्जिद जाते समय बाल, बदन और टांग को ढकना जरूरी है। फ्रांस में 2010 में बुरके पर पाबंदी लगाई गई, सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं चेहरा नहीं ढक सकती हैं। इजराइल में धार्मिक जगहों पर जाने के लिए ड्रेस कोड है, महिलाओं को लॉन्ग स्कर्ट या पैंट पहनने की सलाह दी गई, महिलाओं को स्लीवलेस ड्रेस न पहनने की सलाह दी जाती है। कई धार्मिक जगहों पर कंधे ढकने की भी सलाह दी जाती है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने गाइडलाइंस के बहाने सरकार पर निशाना साधा। कि अगर पंडित महेश शर्मा का बस चले तो वो हर महिला को बुर्का पहना दे। ये जो संस्कृति के मंत्री हैं ये भारत की बुनियादी संस्कृति नहीं समझते। और भारत की बुनियादी संस्कृति ये है कि जहाँ पे परंपरा का, जहाँ पे भारत की रीति रिवाजों का हम आदर करते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो जमहूरियत है जिसका आजकल प्रधानमंत्री जी बहुत बखान करते हैं,
वो हर व्यक्ति को ये इजाज़त देती है, आज़ादी देती है कि वो जो खाना चाहे वो खाए, जो पहनना चाहे वो पहने, जिस वेशभूषा में वो रहना चाहे वो रहे। और सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला सावंत का कहना है कि खुद पर्यटकों को भी स्थानीय जगहों की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं उन्होंने कौन से बैकग्राउंड में इस चीज को कहा है, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर या तो कहीं जगह के ऊपर भी ड्रेस कोड की कोई पाबंदी नहीं है, ना तो हमारे कानून में लिखा गया है कि महिलाओं ने किस तरह से ड्रेस कोड को पहन के जाना चाहिए। हालांकि एक हर एक का अपना अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन रहता है, और जिस जगह पे हम लोग जाते हैं तो इस चीज का डेकोरम मेंटेन करने की भी एक जिम्मेदारी हमारी सबकी रहती है। तो भारत में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद सफाई देने के लिए पर्यटन मंत्री महेश शर्मा भी सामने आए। अगर किसी गुरुद्वारे में जाते हैं सर पर कपड़ा ढकते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो जूते उतार कर जाते हैं। मैंने यही कहा है, मैंने किसी को, मैं कहता हूं मैंने बेटियों का बाप भी हूं, मैंने ये नहीं कहा है कि मैं कोई क्या पहने क्या ना पहने। भारत की संस्कृति एक विविधता वाली संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभव अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। हम किसी के ऊपर ये बैन या बैरियर नहीं लगाते। सतर्कता कहना और एडवाइजरी देना ये दो अलग है। सतर्क कहना किसी के लिए कोई गुनाह नहीं है। भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मेरा ये धर्म फर्ज भी है कि हमारे विदेशियों की और खासतौर पर महिला पर्यटकों की और देशी पर्यटकों की उनकी सुरक्षा का भी हम लोग ध्यान रखें। उसके लिए समय समय पर विभिन्न देश भी अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं, ये उसी का हिस्सा था। लेकिन मैंने किसी के पहनावे को, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप क्या पहने। मैंने रात में घूमने को नहीं मना नहीं किया है, मैंने उन्हें कहा है कि ध्यान से चले। क्या ये कहना गुनाह है तो आप बताएं।